हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग और सिलाई कैसे करते हैं, और इसी में हम ये भी देखेंगे कि बिना बकरम के हम बड़ा गला कैसे बनाएं, वो भी पूरी फिनिशिंग के साथ में। तो मैं इसका बिना बकरम के वी शेप में गला बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले हम अस्तर पे निशान लगाएंगे और अस्तर को ही हम कट करेंगे। इसके बाद मेन फैब्रिक में हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसको पूरा ओपन करके ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, इसको हम नाप ले लेंगे जितनी भी हमें ब्लाउज की लेंथ रखनी है। तो मुझे रखनी है इसकी लेंथ 14 इंच, तो मैं एक इंच प्लस करके लूँगी 15 इंच। और फ्रेंड्स, हमको आगे वाले पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि उसमें हमें 4 प्लेट डालनी होती है, तो इसलिए हमें उसका कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है। इसके बाद फिर से हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से फोल्ड करने के बाद इसको हम नाप लेंगे। तो जितना भी हमें ब्लाउज की नाप रखनी है उसमें हम 2 इंच प्लस करके लेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से रख लेंगे। फिर इसकी हम लंबाई ले लेंगे और चौड़ाई पूरा दोनों देख लेंगे अच्छे से। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें नाप लगाएंगे। तो हम कपड़े के बंद भाग की तरफ से गले के लिए नाप लगाएंगे 2.5 इंच पर, और जो हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है वहीं से फिर हम लेंगे अपना शोल्डर, तो वो हमने लिया है 3 इंच। अगर गले के पास से लेना है तो आप लोगे 5.5 इंच। इसके बाद गले की लेंथ कितनी रखनी है, तो मैंने इसकी लेंथ रखनी है 6 इंच, तो मैंने इसको 6.5 इंच पर लिया है। 1/2 इंच प्लस करके लेना है हमको। इसके बाद इसका हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद 1/2 इंच पर इसमें हम निशान लगा के गोलाई दे देंगे ऐसे। इसमें गोलाई देने के बाद फ्रेंड्स, हम ये जो हमने शोल्डर पे निशान लगाया है, तो शोल्डर से नीचे की ओर हम आएंगे आर्मोल के लिए। तो इसको हमको आर्मोल 6.5 इंच पर निशान लगाना होता है, और ऐसे हम बॉक्स बना लेंगे एक सीधी लाइन ड्रॉ करके। इसके बाद इसकी गहराई हम 2 इंच पे ऐसे निशान लगा के सीधी लाइन खींच लेंगे, और ऐसे 2 इंच पर हम इसमें गोलाई दे देंगे। और एक बार फिर अंदर की ओर से और भी निशान लगा लेंगे, जिसको हम सिर्फ आगे वाले पार्ट में कट करते हैं, पीछे वाले में नहीं कट करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें ब्लाउज की कितनी नाप रखनी है ये नाप लगा के हमें 2 इंच प्लस करके लेना होता है मार्जिन के कपड़े के लिए। तो हम ऐसे 3 जगह पेट और सीना और कमर की नाप लेते हैं और ऐसे निशान लगा लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम ब्लाउज को बेल्ट वाला बना रहे हैं तो फिर हम गले के पास से ऐसे 5 इंच पर निशान लगा देंगे। ऐसे निशान लगाने के बाद ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें थोड़ी सी गोलाई आगे की तरफ दे देंगे और पीछे का वैसा ही रहेगा ऐसे। अच्छे से गोलाई दे देनी है। अब हमको इसको शोल्डर से 9 इंच पे निशान लगाना है ऊपर से, बिल्कुल सेंटर से, शोल्डर के सेंटर से हमें निशान लगा के 9 इंच पर इसमें से हमें 2-2 इंच छोड़ के प्लेट डालने के लिए ऐसे निशान लगाना होता है चारों तरफ। एक हम नीचे की ओर लगाते हैं, एक इधर साइड की ओर, तो 2 इंच हम वो निशान से छोड़ते हुए चारों प्लेट लगा लेंगे। ऐसे इसके बाद फ्रेंड्स, हम ये जो शोल्डर होता है, तो शोल्डर को हम आर्मोल की तरफ थोड़ा ज़्यादा काटते हैं और गले की तरफ थोड़ा कम काटते हैं। इससे हमारा जो मुड्ढा होता है, शोल्डर होता है, ये गिरने के चांस नहीं रहते हैं, बिल्कुल ही फिट आ जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो हमने निशान लगाया था इसमें सीधे लाइन ड्रॉ करके बाहर की तरफ से ऐसे पूरा कट कर लेंगे। कट करने के बाद इतना हम पीछे वाला पार्ट ऐसे निकाल के बाहर रख देंगे। अब हम इसमें ये जो हमने शोल्डर के लिए नाप आगे का लगाया था उसको हम कट करेंगे, और ये बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे और गला भी कट कर लेंगे। तो अब हमको ये जो हमने बगल वाले पे ऐसे निशान लगाए हैं, तो इसको हम इसमें छाप लेंगे जिससे कि हमारा दोनों में प्लेट बिल्कुल बराबर पड़े ऐसे।
अब हम पीछे वाले पे जैसे हमको गले पे निशान हमने आगे वाले पे 2.5 इंच पर लगाया था, वैसे ही इसमें भी 2.5 इंच पर निशान लगा के हमको गले की जितनी लेंथ रखनी है उतनी रख लेंगे, उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेंगे ऐसे। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसको ऐसे रख के 2.5 इंच पर, हमने 3 इंच पर ऐसे निशान लगाया था तो 3 इंच पर भी लेंगे, सॉरी मैंने। इसके बाद हम इसको एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद ऐसे हम इसका वी शेप में गला बना रहे हैं, तो ऐसे करके वी शेप में ऐसे लाइन सीधी खींच लेंगे। तो मुझे अभी इतना ही वी शेप में नहीं चाहिए, अभी मैं और बड़ा करूँगी। तो मैं इसको इस पे और थोड़ा सा अंदर की ओर जाते हुए गोलाई देते हुए ऊपर सी लाइन से मिला देंगे और इसको भी हम कट कर लेंगे। ये हमारा गला कट के कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम पीछे भी प्लेट डालने के लिए 4 इंच पर गले के सेंटर से 4 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर ऊपर की ओर 4 इंच पर निशान लगा के ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों प्लेट के लिए निशान लगा लेना है। फ्रेंड्स अब ये हमें 2 पट्टियाँ चाहिए, एक हुक बनाने के लिए और एक काज पट्टी लगाने के लिए, वो मैंने लगा लिया। इसके बाद फ्रेंड्स मेन फैब्रिक को हम लेंगे, तो मेन फैब्रिक को रख के ऐसे हम कट कर लेंगे। तो जितने भी हमने अस्तर कट किए हैं तो सारे अस्तर को मेन फैब्रिक से कट कर लेंगे, उसी के बराबर के ही थोड़ा थोड़ा बड़े करके ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स हम गले में पाइपिंग लगाने के लिए और एक पट्टियाँ लेंगे, तो हमने 2 पट्टी कट कर ली है। इसके बाद फ्रेंड्स हम जो भी कपड़े मेन फैब्रिक और अस्तर को कट किया तो इसको दोनों को हम जोड़ लेंगे, मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े को। तो ये हमारा है जो बेल्ट के लिए हमने कट किया था अस्तर को, तो इसको हम बिल्कुल ऐसे बराबर रख के दोनों को ऐसे जोड़ लेंगे एक दूसरे में, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम बीच से भी कट कर लेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अब हम ये जो आगे वाला पार्ट है इसको भी हम ऐसे सिलाई कर लेंगे पूरे को, तो हम इसको उल्टा साइड ही रखेंगे, उल्टा साइड मेन फैब्रिक का उल्टा साइड लेंगे और अस्तर वाले कपड़े को ऐसे रख के दोनों को जोड़ देंगे, और इसको अच्छे से हाथ से प्रेस करते जाना है ताकि हमारे कपड़े पे सिलवट ना आए बिल्कुल भी, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे ऐसे। तो ये जो अब हमारा बीच का दोनों जुड़े हुए हैं तो इसमें हम अगल बगल सिलाई लगा लेंगे, जिससे इसको हम कट कर देंगे फिर दोबारा। ऐसे हमने कट कर दिया है, अब हम इसमें प्लेट डालेंगे, तो चारों प्लेट हमको ऐसे डाल लेनी है दोनों पार्ट में, दोनों को बराबर रख के ऐसे हमें प्लेटें डालनी है। जैसे हमने निशान लगाया उतने में ही हम प्लेट डालेंगे। दोनों कपड़े में हमने प्लेट डाल के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो हमने बेल्ट के लिए कपड़ा काटा है तो इसको ऐसे दोनों को देख लेंगे कौन किसका है। इसके बाद इनको ऐसे रख के ऐसे सिलाई लगा देंगे दोनों को मिला के। ऐसे सिलाई लगाने के बाद इसको हम फिर से ऐसे ऊपर की ओर से एक बार फिनिशिंग देने के लिए ऊपर से फिर से सिलाई लगाएंगे। तो सेम ऐसे ही हमें दोनों बेल्ट जोड़ लेना है। तो ये मैंने जोड़ के रख लिया है। इसके बाद हमको काज और हुक वाली पट्टी लगानी है, तो एक में हम इसमें हम लगाएंगे का हुक वाली पट्टी, तो इसको हम लगा रहे हैं कपड़े में। हमें ऐसे रखना है, दोनों को मिला लेना है। इसके बाद इसको हमको ऐसे सिल लेना है।
ऐसे सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स इसको हम फिर से इधर बाहर की ओर जो भी हमने रखा है इसको फिनिशिंग देने के लिए ऐसे सिल लेंगे। ऐसे सिलने के बाद फ्रेंड्स इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद अंदर की ओर पूरा मोड़ देंगे। पूरा कपड़े के अंदर की ओर मोड़ने के बाद ऐसे फिर से हम ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम काज बनाने वाली पट्टी लगाएंगे जिसमें हम काज बनाते हैं। तो काज बनाने वाली पट्टी को हम थोड़ा सा कपड़े से बाहर की ओर निकाल के रखते हैं और हुक वाले कपड़े के अंदर बिल्कुल करके रखते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे सिलेंगे और ऐसे हल्का सा मोड़ेंगे, पूरा फोल्ड नहीं करेंगे, हाथ से ऐसे प्रेस कर लेंगे। इसके बाद ऐसे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स ऐसे हम फिर से थोड़ा सा बाहर की ओर निकाल के रखेंगे और ऊपर की ओर से हम इसको सिलाई लगाएंगे। ऐसे इधर से ऊपर से ही सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी पट्टियाँ कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम इसमें बनाएंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने जो औरेब पट्टी कट करी थी तो उसको ऐसे रखेंगे। ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद आगे का ऐसे कट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। इसके बाद ऐसे उसी ब्लाउज में रखेंगे, गले में ऐसे ऊपर की ओर से मिला के ऐसे रखने के बाद ऐसे हम इसमें सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। आगे जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे, अच्छे से पक्का कर लेंगे। इसके बाद जो भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके आराम से निकाल देंगे। तो पूरा हम कपड़ा कट कर लेंगे इसको, जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। इसके बाद इसमें हम कट लगा देंगे, कहीं कहीं सिलाई ना कटे इसका हम बहुत ध्यान रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसको हम ऐसे पूरा जो हमारी ऊपर की ओर ऐसे इसको हम कपड़े को ऊपर की ओर कर लेंगे। इसके बाद ऐसे बिल्कुल पाइपिंग इसकी बना लेंगे पहले ही हाथ से अच्छे से गोल घुमा के। इसके बाद हम इसमें ऊपर की ओर से सिलाई लगाएंगे जिससे हम जितना भी पतला हमारा कपड़ा रहेगा उतनी ही पतली हमारी पाइपिंग आएगी। तो ये मैंने पाइपिंग लगा के कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स सेम ऐसे ही हमें देखो कितनी पतली पाइपिंग आई है और कितनी फिनिशिंग के साथ में बनी है। इधर पीछे साइड भी कितना प्यारा लग रहा है। सेम ऐसे ही हमें दूसरी वाली पाइपिंग भी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा बड़ी बखिया करके इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे क्योंकि इसको हमको बाद में तोड़ना होगा। तो ये हमारा आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम पीछे वाले पार्ट को सिलेंगे। तो इसको हम मेन फैब्रिक कपड़े के मेन फैब्रिक के ऊपर हम सीधे साइड में हम बकरम को रखेंगे और उल्टे साइड सीधे साइड में हम रखेंगे तो ये पलट के उधर चला जाएगा उल्टे साइड में। तो इसको हम गले की तरफ सबसे पहले हम इसमें गले में सिलाई लगाएंगे ऐसे। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है गले में। और कहीं कहीं कट लगा देना है जिससे कि हमारा गला आसानी से पलट जाए और अच्छे से पलटे। इसके बाद इसको हम पूरा फोल्ड करके पीछे की ओर कर देंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे तो हमारा अस्तर बिल्कुल उल्टे साइड आ गया है और ये हमारा गला बनके कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें करेंगे ऊपर से ऐसे सिलाई लगाएंगे, ऊपर से सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग देने के लिए। इसको अच्छे से हाथ से प्रेस कर लेना है और पूरे कपड़े को ऐसे प्रेस करते करते सिलाई लगानी है पूरे गले में हमको। ये हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। फ्रेंड्स देखो कितना प्यारा बिना बकरम के कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा गला बना है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम इसमें प्लेट के लिए जो निशान लगाया, नहीं सॉरी, इसमें अब हम
ये जो नीचे का मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े को ऐसे जॉइंट कर लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब हम इसमें जो प्लेट डाले थे उसको प्लेट डाल के कंप्लीट कर लेंगे, दोनों प्लेट डाल लेंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीधे में सीधा मिलाएंगे दोनों कपड़े को, आगे वाले को और पीछे वाले कपड़े को ऐसे, और इसके हम शोल्डर दोनों के जॉइंट कर देंगे। तो बराबर रख के दोनों हमें अच्छे से पक्का कर लेना है। दोनों शोल्डर ऐसे ही हम जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमने ये आर्म होल है इसमें भी हमें पाइपिंग लगानी है, जैसे हमने गले में लगाई है, तो इसके लिए भी हमें ओरेप कपड़ा ही चाहिए, ओरेप पट्टी चाहिए ऐसे। तो मैंने ये पट्टियाँ ली है। अब हम इनको पट्टियों को पहले सबसे जॉइंट करेंगे। इनको ऐसे रख के जोड़ लेंगे। तो ये मैंने सारी पट्टी जोड़ ली है, दो दो पट्टियां जोड़ी है दोनों तरफ लगाने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, जैसे हमने गले के लिए पाइपिंग बनाई थी सेम वैसे ही हमें इसमें भी करना है, और आगे का कपड़ा कट कर देंगे। इसके बाद इसको हम ऐसे दोनों को, कपड़े को और पट्टी को ऐसे बिल्कुल बराबर में रख के सिलाई लगा लेंगे। और जैसे हमने उसको में कट किया था कपड़ा एक्स्ट्रा, उसको हम कट कर लेंगे। इसके बाद इसको हम जो भी हमारे सिलाई का कपड़ा होता है उसको ऊपर की ओर करके ऐसे हमें इसमें गोलाई देनी होती है पाइपिंग वाली। तो हमने ये गोलाई देके बिल्कुल ऊपर से हमें सिलाई लगानी होती है, जो हमारी सिलाई हमने लगाई होती है कपड़े में उसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी होती है। ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे पूरे में। तो ये हमारी पाइपिंग बनके तैयार हो गई है। तो सेम ऐसे ही हमें उस साइड भी लगा लेना है, दोनों शोल्डर में हमें ऐसे ही पाइपिंग लगा लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने ब्लाउज की जो भी नाप रखना चाहते हैं, ब्लाउज की कितनी नाप लिए थे वो हम ऐसे फिर से, क्योंकि हमने निशान लगाएंगे, क्योंकि जो हमने पहले लगाया था उसमें प्लेट डालने में हमारा कपड़ा इधर उधर हो गया है, तो अब हम इसमें सिलाई लगा के ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसमें फिटिंग डाल लेंगे अपने ब्लाउज की। शोल्डर को अच्छे से दोनों को मिला के पक्का कर लेना है और पूरे में ऐसे सिलाई लगा देनी है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे जिससे कि बिल्कुल हमारा ब्लाउज फिनिशिंग के साथ में बनेगा। फोल्ड करने के बाद ऊपर से फिर से हम एक सिलाई लगा देंगे। सेम ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी करना है। ये हमारा ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया है। अब केवल नीचे की पट्टी को हमको फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो हम नीचे वाले पट्टी को भी ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे पूरे में। ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें लगाएंगे डोरी, जो कि मैंने पहले से कंप्लीट करके रखा है और ये मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आप लोगों को देखना है मैं
ये कपड़े वाले लटकन बनाए हैं मैंने, अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो और सीख सकते हो कैसे मैंने बनाया है। और ये डोरी हम लगाएंगे ऊपर से 4 अंगुल छोड़ के नीचे की तरफ, ऐसे अच्छे से पक्का कर लेंगे दोनों तरफ, हम 4 अंगुल नीचे पे ही लगाएंगे। तो ये मैंने डोरियां भी लगा के कंप्लीट कर ली है, ये हमारा पूरा ब्लाउज। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।